सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप करेले की जो रेसिपी है वो कैसे बना सकते हैं। करेले की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और यहाँ पे हमने लिया हुआ है थोड़ा सा सरसों, और यहाँ पे करेला, कच्चा करेला को जो है वो भुजा के शेप में कट करके इसको अच्छे से पीस लिया है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस के उसके बाद क्या करेंगे कि कढ़ाई गर्म करेंगे, तेल गर्म करेंगे, और यहाँ पर जो है करेले को जो है हल्दी और नमक में और थोड़े से पानी में इसको बॉईल कर लेंगे और इसको अच्छे से डाल के फ्राई कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं। और इस तरीके से फ्राई करने के बाद अब क्या करेंगे कि अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि हमारा जो करेला है वो फ्राई हो चुका है। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे, जीरा पचफोरन ऐड करेंगे, मिर्च ऐड करेंगे और प्याज ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले तो मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को, जैसे कि देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि देख सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स मसाला ऐड करेंगे। मिक्स मसाला जो है, मसाले जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हमने कितनी बार करेले की भरता रेसिपी बनाई है तो कई बार मतलब अलग अलग तरीक़ों से बनाई है, पर ये जो तरीका है ना ये सबसे यूनिक है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। उसके बाद जितना भी हमने करेला और प्याज टमाटर को पीसा था ना, इन सभी प्याज और करेले को जो है जितना भी हमने ग्राइंड किया था, इन सभी को ग्रेवी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अच्छे से जो है मसाले में पहले तो फ्राई करेंगे, मसाले में इसे अच्छे से पकने देंगे ताकि ये जो करेले का जो भी कड़वापन है वो दूर हो जाए, क्योंकि करेला हमने कच्चा पीसा भी है तो उसका भी हमें ख्याल रखना है कि कड़वा ना लगे। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से डाल के अच्छे से इसको पकाएंगे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। और एक दो उबाल आने के बाद अब क्या करेंगे कि जैसे ही उबाल आ जाएगा तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे एक एक करके जो भी हमारा करेला है एक एक करके डालते जाएंगे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से डाल लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हमारा जो करेला है वो बन के तैयार हो चुका है, मतलब करेले की जो भी रेसिपी है। तो अब हम सीधा सर्व करके दिखाते हैं। तो ये कुछ ही हमारी सर्विंग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी।